हेलो भाई, एक अर्जेंट इमरजेंसी के लिए मुझे यहाँ पे वीडियो अभी डालना पड़ रहा है। एक न्यूज़ अभी अभी जस्ट मैंने सुनी है, बहुत ही दुखद न्यूज़ है। जट प्रभजोत के बारे में है भाई हमारा। मैं उसको काफ़ी फॉलो करता हूँ, जट प्रभजोत को। पिछले 2 साल से मैं उसको फॉलो कर रहा था, उसके व्लॉग देखता था, उसकी जर्नी देखता था। जहाँ जहाँ वो जाता था मुझे हर एक जगह पता होती थी। इंस्टाग्राम पर भी मैं फॉलो करता था। भाई उसको कुछ भी होना नहीं चाहिए, ऐसा बंदा बहुत बढ़िया बंदा, बहुत नाइस है, बहुत दिल का बहुत अच्छा है। कभी किसी को उसने कोई ऊँची आवाज़ में बात नहीं करी है, जितना तक मैं जानता हूँ YouTube के थ्रू। वाहेगुरु जी के आगे हम अरदास करते हैं कि जट प्रभजोत को जल्दी से जल्दी होश आए, जल्दी से जल्दी वो फिर से हमारे बीच में आए और बाइक राइड करके एक बार फिर से कहीं ना कहीं टूर पे जाए। प्रभजोत जी का जल्दी से जल्दी रिकवरी हो, यही हम दुआ करते हैं। और हाँ, आप सब भी दुआ करो। और कुछ बैड कंटेंट बना रहे हैं व्यूज लेने के लिए, भाई ऐसा ना करो। किसी के परिवार का कोई मेंबर है जो अभी जूझ रहा है अपने परिवार के साथ में, और परिवार उसके साथ में, और एक दूसरे देश में जूझ रहा है। अपनी जगह पे रह के आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो भाई, आप क्यों ऐसा कंटेंट बना रहे हो? मैंने कई भी लोग देखे हैं जो बहुत ही गलत बोल रहे हैं जटजोत के बारे में। आप ऐसा मत बोलो भाई, रिक्वेस्ट है। इससे कुछ हो नहीं जाएगा, 200-400 व्यूज, 1000 व्यूज आपके बढ़ जाएंगे, इसमें कुछ नहीं हो जाएगा भाई। आपको डिसलाइक ही मिलेंगे उसके बाद फिर भी, पर ऐसा मत करो, ये बहुत गलत चीज़ है और इस चीज़ को अवॉइड होना चाहिए। YouTube इसके ऊपर एक्शन भी ले। हम ये बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं YouTube से, भाई ऐसा मत करो ऐसा। जट प्रभजोत के बारे में ये बोल सकता हूँ कि भगवान जल्दी से जल्दी उनकी रिकवरी दें, ताकि वो फिर से हमारे बीच में ऐसे ही दोबारा से आ जाएं। हेलो गाइस, मुझे अभी अभी पता चला कि जट प्रभजोत जी का एक्सीडेंट हुआ है नेपाल में, तो ये बहुत सीरियस मैटर है। तो जैसे कि उनका नाम है प्रभजोत, तो मेरी प्रभु से यही बस गुजारिश है कि उनकी सांसों की ज्योत हमेशा जलती रहे, ये मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ। और आपसे आगे यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हमारा ये व्लॉग देखें, तो प्रभु से यही अरदास करें कि उनका सांसों की ज्योत हमेशा जलती रहे और वो ऐसे व्लॉग बनाते रहें। धन्यवाद।